नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के यूट्यूब चैनल पे। मैं मधु शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हूँ। चलिए आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या उसके आंसर होंगे और कैसे उसके डिस्कशंस होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ओर। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं और जोरदार तरीके से सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 10 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। एक यूनिट का मूल्य क्या है, 3 रुपया है। तो चलिए, आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ रहता है और आप जानते हैं कि कितना खर्च आता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 220 × 5 × 10 × 30 / 1000। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्त, आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा आपका 990 रुपया आंसर, ठीक है। जल्दी से आप इसे कर लें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किलोवाट घंटा की, ठीक है, किलोवाट घंटा की, ठीक है। इसे हम लोग BOT के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, BOT, यानी किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आप इसे ध्यान से लिख लेंगे, एग्जाम में पूछता है। भूपेश कुमार जी, हेलो हेलो दोस्त। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। सारी ग्लैंड्स बनी होती है, या यू बोल दे जो आपकी स्लेवरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, ये इसी की बनी होती है, थायराइड ग्लैंड इसकी बनी होती है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक, ये हमारे पाचन तंत्र के जो भी ऑर्गन है उनकी जो लेयर बनी होती है वो कोलुमनर की बनी होती है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, आपका पेट, अमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें जो बनी होती है वो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेरेन्काइमा यह एक प्लांट टिश्यू है दोस्त। पेरेन्काइमा क्या है, एक प्लांट टिश्यू है और ये पौधों में फूड स्टोरेज का काम करता है, भोजन संचय करने का काम करता है और ये एक पैकेजिंग के रूप में काम करता है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एपिथर्मल, एपिडर्मल कोशिकाएं, ये आपके स्किन की लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल। हमारे स्किन का जो बाहरी लेयर होता है, बाह्य त्वचा जो होती है वो एपिडर्मल कोशिका की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, यह भी एक प्रकार की एनिमल टिश्यू ही होती है और हमारे शरीर में टेंडन और लिगामेंट दोनों ही क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे स्क्रीनशॉट करते चले दोस्त। नेक्स्ट, एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे क्या होंगे, ठीक है। तो पहली बात आइए हम लोग जानते हैं ऊपर ऊपर चले नहीं ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, वर्णांधता की बात करेंगे। सबसे पहली बात आप ये जानेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, वर्णांधता, इसमें रोगी को लाल रंग और हरे रंग में अंतर कर पाना मुश्किल होता है, अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
रोगी को क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको लाल हरा और हरा लाल रंग का दिखता है, और यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज होता है। क्या होता है? जेनेटिक डिजीज होता है, आनुवंशिकी रोग होता है, आनुवंशिकी डिजीज होता है ये, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आनुवंशिकी डिजीज होता है तो इसमें वाहक का काम कौन करता है? इसमें वाहक का काम महिला करती है, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम ही ये क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एक स्त्री जो कि ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस से है, उसका विवाह एक नॉर्मल व्यक्ति से हो जाए तो क्या होगा? तो पुत्री जो होगी उसका, मतलब उन दोनों के द्वारा जो संतान पैदा होगा, अगर वो लड़की होते हैं तो लड़की वाहक बनेगी, मतलब करियर का काम करेगी आगे ले जाने का, और वरना पुरुष जो होगा ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देव कुमार जी बहुत सही बताया दोस्तों, टेक्नीशियन का कितने बजे से स्टार्ट होता है? देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन का डिस्कशन वीक में 2 दिन होता है, फ्राइडे और सैटरडे होता है, और इसकी टाइमिंग वही है आपकी 11 बजे से ही है, लेकिन आज कुछ कारणों से थोड़ी लेट से प्रारंभ हुई है। इससे पहले की जो सर डिस्कशन कराते हैं उनकी सेहत थोड़ी सी अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा लेट डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अभी थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, आनुवंशिकी डिजीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आनुवंशिकी जो आप देख रहे हैं, आनुवंशिकी रोग, कुछ आनुवंशिकी रोग के नाम लिखिए। आनुवंशिकी रोग, देखिए हीमोफीलिया जो है यह भी आपका जेनेटिक डिजीज है, आपका पटाऊ सिंड्रोम यह भी आनुवंशिकी रोग है, डाउन सिंड्रोम यह भी क्या है, आनुवंशिकी रोग है, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता यह भी क्या है, आपका आनुवंशिकी रोग है। डी होगा सुजीत कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, नीचे गए दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम समान नाम से विकल्प की पहचान कीजिए। निम्न में से कौन से ऑप्शन में गलत आपका फॉर्मूला दिया गया है, IUPAC नेम गलत दिया गया है? देखिए यहाँ पर दिया C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, यह तो सही है दोस्त, यह तो बिल्कुल सही है। C2H5OH ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, एथाइल एल्कोहल, यह भी बिल्कुल सही है। C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल, यह भी बिल्कुल सही है। अगला तो देख रहे हैं C2H3OH मेथेनॉल, नहीं दोस्त, C2H3 ये मेथेनॉल का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये मेथेनॉल का फॉर्मूला नहीं है। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनेंगे यही आपका क्या है, गलत है। तो पहले आप इसको आंसर टिक कर लें, क्या है आप पहले इसका क्या करें, आंसर टिक कर लें। तो चलिए इसका आंसर लगाएंगे, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, चलिए लिखिए तो फटाक से, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है दोस्त CH3OH, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, आप इसे लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? हमसे इमेज की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, हमसे इमेज की ऊंचाई पूछ रहा है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है, हमसे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, इमेज की ऊंचाई क्या होगी? देखिए दोस्त, सबसे पहली बात तो आप देखो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन में कि यह क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है,
तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, क्या होता है, सभी नेगेटिव में होते हैं। तो चलिए आपसे आवर्धन या ऊंचाई के बारे में बोला, आवर्धन का फॉर्मूला लगाइए, आवर्धन m, ठीक है, आवर्धन m बराबर माइनस भी अपॉन में यू, यही फॉर्मूला होता है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस है, देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या क्या होगा। पहले आप देख लेंगे ऊंचाई 1.2, ऊंचाई पर एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, ठीक है, यानी आप इसको माइनस भी अपॉन में यहाँ H1 अपॉन में H0 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप क्या कीजिए, ये जो भी आपको दे रखा है ये आपको 60 दे रखा है, और चूंकि ये आपका अवतल दर्पण है तो ये ऑलरेडी क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस 60 होगा। तो एक तो फॉर्मूला वाला माइनस, ऊपर से अवतल दर्पण है इसलिए आप इसको 60 लिखेंगे। यू का मान -30, ठीक है, एच वन का मान आपको दे रखा है 1.2 ऊंचाई के दर्पण से, एच वन आपको निकालना है, एच नॉट आपको दे रखा है, ठीक है, तो एच वन आप निकालेंगे, एच नॉट का मान दे रखा है 1.2, चलिए 1.2 निकालिए। तो यहां से आप देखिएगा जैसे आप कैलकुलेट करेंगे H1 बराबर यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30 दुनी का साइन माइनस, तो डेढ़ दुनी का दिन, यानी H1 जो आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, -2 × 1.2, और ये डेढ़ नहीं है दोस्त, 1.2 है, डेढ़ का मतलब 1.5 है। चलिए आप इसको कहें 12 × 24, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2.4 मीटर, मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है दोस्त। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नेगेटिव में होगा, ऑलवेज नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और नेगेटिव का मतलब हुआ उल्टा, उल्टा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसलिए आंसर जाएगा ये नहीं जाएगा, डी ऑप्शन नहीं जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, उस घिरने प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन का बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हूँ, ठीक है, तो घिरनी का वेग अनुपात बताइए। चलिए फॉर्मूला लगाइए घिरनी का वेग अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त घिरनी का वेग अनुपात बराबर घिरनी का वेग अनुपात बराबर लिखिएगा 1/ में घिरनी की दक्षता, घिरनी की दक्षता इनटू उठाया गया भार बटे में लगाया गया भार, उठाया गया भार बटे में लगाया गया, ठीक है। चलिए मान यहां पर आप रखना स्टार्ट कीजिए, चलिए एक तो ऑलरेडी पहले से है तो एक आप ऑलरेडी लिख देंगे, घिरनी की दक्षता देखिए क्या दे रखा है आपको 50%, 50% का मान क्या हुआ, 50% का मान का मतलब हुआ आपका 1/2, ठीक है, तो घिरनी की दक्षता हो जाएगी 1/2 इंटू, इसको क्या कीजिए ब्रैकेट में कर दीजिए, उठाया गया भार कितना है दोस्त, देखिए उठाया गया भार 250, 250 बटा में इसका लगाया गया भार 100। अब आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है, 5, वेग अनुपात 5, आंसर हो जाएगा डी, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत सही बन रहा है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पे चला जाए। प्रिज्म के मा
माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण क्या होता है? देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब ही यही होता है कि जब कोई सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सात वर्णों में या सात रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे आप बंजानी, आप पिनाला या विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे ये सपोज कोई ये प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, फिर अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, तो ये आपका सात वर्णों में विभक्त हो जाती है और यही आपका विबग्योर बन जाता है। क्लियर है, सात वर्णों में ये आपका विभक्त हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण होने के क्या क्या कारक हो सकते हैं। चलिए लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण होने के लिए निम्न कारकों का होना अति आवश्यक है, निम्न कारकों का होना चाहिए। कौन कौन से कारक होने चाहिए? तीन कारक होते हैं दोस्त। पहला आपका कारक होता है प्रिज्म का कोण, दूसरा और तीसरा, दूसरा होता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, और तीसरा हो जाता है प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का वेवलेंथ यानी तरंग। तो यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहां से क्वेश्चन का आंसर होगा तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, विचलन कोण जो होता है तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? चलिए बनाया जाए, कौन सा यौगिक बनता है? माधव मिश्रा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून दोस्त। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट से आंसर बनाइए और बताइए कि हम लोग लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चलिए मिला लिया जाए, PbNO3। ठीक है, PbNO3, और इसको मिलाना है हमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो ये क्या होगा? जैसे ही आप इसको मिलाएंगे दोस्तों तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट कर जाएगा, क्या करेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेड होगा ये इसके साथ चला जाएगा और पोटेशियम चला जाएगा नाइट्राइड के साथ में। ठीक है, तो KNO3। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसको इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर दो है, यहाँ दो कर दीजिए और यहाँ दो कर दीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, इक्वेशन आपका बैलेंस है, चेक कर ले आप। ओके, तो यहां पर क्या हो गया दोस्त, ये आपका द्विविस्थापन हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो गया और यहां पर जो आप देख रहे हैं क्या बना आपका, लेड आयोडाइड बना। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो लेड आयोडाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण और अवकरण तो आपने इतनी बार पढ़ लिया है कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा, है ना? चलिए, तो ऑक्सीडाइजेशन की हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन,
ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, और अवकरण में क्या होगा, अवकरण या रिडक्शन में, या इसे ही हम लोग अपचयन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्वीकार करेगा, ठीक है, या यू बोल दे आपका ऑक्सीजन का त्याग करेगा। डायरेक्ट लिखिए, इसमें ऑक्सीजन का त्याग करेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि गलत है। ठीक है, अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न वाली आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव की बनी हुई है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी ये किसकी बनी हुई है, ये मेंडलीव की बनी हुई है। ठीक है, और वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में टोटल अभी वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है। तो हम लोग बात करेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये परमाणु भार पर, ये जो है मेरे दोस्त परमाणु भार पर बनी हुई थी। ठीक है, परमाणु भार पर बनी हुई थी। इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त की संख्या थी और 9 वर्ग था। जबकि यहाँ पर जो आप मॉडर्न देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें 7 आवर्त तो हैं लेकिन 18 वर्ग है। ठीक है, वर्ग कितने हैं, 18 है। तो आंसर आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, आइए कौन सा कथन गलत है देखते हैं। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यस, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने बताया आपको। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, यस बिल्कुल सही है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, यस बिल्कुल सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आज क्या बात है, सारे क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम डी है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा, अगर आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस है तो निम्न में से कौन से बातों का वो पालन करेगा। समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान हो भी सकता है और नहीं भी। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर द्रव्यमान बिल्कुल समान होना चाहिए, नहीं की तो कोई गुंजाइश नहीं है। समीकरण के दोनों ओर आयतन समान होना चाहिए, नहीं। समीकरण के दोनों अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान होनी चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए, यस यही सही। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लो भाई फिर से डी आ गया, डी फॉर डॉग, ठीक है, या फिर डी फॉर डॉल, फिर से क्या आ गया, डी ऑप्शन ही आ गया। ठीक है, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखेंगे, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जब देखेगा दोस्त, ये जब उत्पाद आपको मिलता है इसे हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। और यह 2 स्टेज में, ठीक है, यह प्रक्रिया जो होती है मेरे दोस्त 2 स्टेज में होती है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हमें प्राप्त होता है। 36 का ए ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो आप जाने प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या होती है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का
जो आपको लिख रहा है क्या सही है क्या गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल जो होता है वो दो इकाई होता है, ठीक है, यानी CaSO4 की दो सूत्र इकाई और जल का एक अणु, हाँ दो नहीं दो एक होता है, एक अणु जल होता है, यानी यही से आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का दो अणु इंटू इकाई यानी 1H2O, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका प्रयोग जो होता है जिप्सम के रूप में भी होता है, ठीक है, मूर्ति बनाने में, ठीक है, उसके बाद दांतों में भरने में, हड्डी टूट जाने में, दीवारों की पुताई करने में, ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, इत्यादि चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। चलिए इक्वेशन देखिए, तो 4Fe+3O2=2Fe2O3, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीकृत क्या हुआ है, तो यहाँ पर मैं दो जो आप देख रहे हैं लोहा, यही क्या हुआ है आपका ऑक्सीकृत हुआ है दोस्त, ये ऑक्सीकृत हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीकृत क्या हुआ है, तो लोहा यानी आयरन जो आप देख रहे हैं सिर्फ, ये आपका ऑक्सीकृत हुआ है। अगला देखिएगा, अच्छा तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन है, पहले पढ़ा जाए और इसके बाद इसका आंसर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जंक फूड खाना सेहत के लिए लाभप्रद नहीं होता है, हाँ भाई ये तो सही है कि फास्ट फूड खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड में वसा, रासायनिक योजक और सोडियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जो मोटापे का कारण बनते हैं। शर्करा और वसा का अधिक सेवन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को मंद कर देता है, जो कि अधिगम और स्मृति जैसी प्रवृत्तियों के निर्माण में सहायक। अधिगम का मतलब लर्निंग का मतलब होता है सीखना, लर्निंग का मतलब क्या है दोस्त, सीखना, अधिगम का मतलब सीखना, मतलब सीखने और याद करने जैसी प्रवृत्तियों में सहायक होता है। अब तर्क आपको दे दिया है कि दो कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक समर्थन करता है, एक और दो दोनों तर्क समर्थन करते हैं। उसके बाद तर्क एक समर्थन नहीं करता जबकि तर्क दो कथन का समर्थन करता है, एक और दो दोनों तर्क है कथन का समर्थन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। एक सेकेंड दोस्त, देखिए ये तो आपसे बोल दिया कि फास्ट फूड में वसा, केमिकल और सोडियम होते जो मोटापे का कारण बनता है, यह बिल्कुल सही है, और शर्करा और फैट अधिक सेवन करने से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को मंद कर देता है, जो कि आपको इन सारे कारणों में सीखने में याद करने में सहायता की प्रवृत्तियों में आपको नुकसान पहुंचाता है, यानी दोनों ही आपका सही, मतलब वन और दो दोनों ही तर्क आपका कथन का समर्थन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्त, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः
प्लस क्यू गुलाम, क्यू का मतलब गुलाम तथा प्लस फोर क्यू आवेश जब इन्हें विराम अवस्था से समान विद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो उनकी चालों का रेशियो क्या होगा। तो चालों का रेशियो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, दोस्त विराम अवस्था से गिराया गया है तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा गतिज ऊर्जा वाला हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग काम करेंगे, तो आइए हम लोग इसी फॉर्मूला के बेसिस पर काम किया जाए। तो पहला जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में पढ़िए कि दो कण हैं जो आवेशित कण हैं, उस पर जो पहला है उस पर कितना आवेश दिया गया है, तो पहले वाले कण पर क्यू आवेश दिया गया। तो चलिए क्यू आवेश पद दे दिया जाए पहले वाले को। तो काइनेटिक एनर्जी क्यू बराबर हाफ एम वी वन स्क्वायर, और चूंकि हमने क्यू आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है तो ये हो जाएगा प्लस क्यू वी वन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको फोर कूलाम आवेश देंगे तब क्या होगा देने पर, ठीक है। तो के फोर क्यू बराबर प्लस फोर भी टू, ये भी टू हो जाएगा ना दोस्त, वो भी वन था भी टू स्क्वायर, ये सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण दो दोनों से हम अगर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा Q भी वन का स्क्वायर, ये प्लस में है दोस्त, और प्लस फोर भी टू का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे Q डाली ना, फोर क्यू, फोर क्यू V2 का स्क्वायर। अब जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका इधर जो है इधर से इधर आपका कट जाएगा, इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है। चले अब कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, और फोर भी वन भी टू। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ गड़बड़ा रहा है मैटर, हाफ एम भी यहाँ भी नहीं, भी वन हटाएंगे तो भी टू हटाएंगे डायरेक्ट, ठीक। चल यहाँ भी भी हो जाएगा भी वन स्क्वायर भी टू का स्क्वायर बी अपॉन में फोर, ठीक है। और जैसे आप भी से भी कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन में फोर हो जाएगा, ये भी से भी कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे भी वन अपॉन में भी टू बराबर रूट अंडर वन अपॉन में फोर इक्वल टू एक बटा में दो। तो रेशियो क्या निकला दोस्त आपका, वन अपॉन में टू, ठीक है, वन इज टू टू ये हो जाएगा, यानी आप सीधे लिख सकते हैं भी वन अपॉन में भी टू बराबर वन अपॉन बी, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, वन इज टू टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए गलत वाला कथन हम लोग छाटते हैं, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये सामने ही आपको दिख रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग नहीं होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा या इसे ही ग्वाइटर बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ेंगे मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के जमा हो जाती है, बिल्कुल सही है,
प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मदद में सहायता मिलती, यह भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है, सही है। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एनीमिया किसकी कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया से होता है दोस्त रक्त अल्पता, जिसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया किसकी कमी से होता है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। सभी लोग जानते ही होंगे एनीमिया लोहा की कमी से। आयरन की कमी से होता, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त अल्पता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो पहली बात सुनिएगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों प्लांट टिश्यू है, क्या है, प्लांट टिश्यू है। और प्लांट टिश्यू में मेरे दोस्त ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है। अगर क्लासिफिकेशन की दृष्टि से देखा जाए इसे, जाइलम और फ्लोएम को, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, अर्थात जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या काम करता है, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जो होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल को, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है मेरे फ्रेंड, ये फ्लोएम क्या काम करता है, तो फ्लोएम जो होता है पत्तियों में जो भोजन बना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो फ्लोएम क्या करता है, ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आप देखेंगे केवल जड़ में नहीं मेरे दोस्त, तीनों ही गलत है, जड़ों में, बीजों में, फलों में और विभाजी उत्तकों में, यस, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। विभाजी उत्तकों का मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टमेटिक, ठीक है, ये सभी जगहों तक पहुंचाता है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आयरन सक्सेस जोन क्लास, बिल्कुल सही बताया आपने आयरन, माधव मिश्रा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला लिखा हुआ है धातु के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये तो आप लोग मुहांमुही बना लेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे आप लोग मुहांमुही बना लेंगे। मुहांमुही बनाने का मतलब बहुत ही आसान है कि प्रतिरोध में जैसे ही तार की लंबाई में जैसे ही वृद्धि कर देंगे तो प्रतिरोध दुगना लंबाई में बढ़ जाएगा, यानी 2% की वृद्धि हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा आवर्त सारणी की बात कर रहा है, दी गई तालिका में यदि ए बी सी डी ई क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 की पंक्तियां 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं तो उनके सही क्रम की पहचान कीजिए। देखिए समूह 15 यहाँ है, समूह 16 यहाँ है और समूह 17 यहाँ है, ठीक है। और ए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि तत्वों के परमाणु क्रमांक है तो उनके सही क्रम की पहचान कीजिए, ठीक है। तो सही क्रम का क्या होगा इसमें आंसर, सही क्रम कौन सा होगा चलिए देखते हैं हम लोग सही क्रम क्या होगा इसका।
बताइए आप सभी लोग क्या होगा। तो सही क्रम होगा मेरे दोस्त समूह, सही क्रम होगा आपका, पहला सबसे ज्यादा डी का होगा, उसके बाद बी का, फिर ई, सी एंड ए, ए सबसे लास्ट में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो आपका देख रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्मों का पता, जीवाश्मों का पता कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा या कार्बन 14 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है, जीवाश्मों का पता, जबकि यूरेनियम 235 या यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा भवनों का और मूर्तियों का, इमारतों, पठार, पर्वत, मैदान, देखिए इन सभी का उम्र पता लगाया जाता है, उम्र ज्ञात की जाती है। जैसे मैं अभी जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, सपोज ये आपका 50 साल पुराना बिल्डिंग है, देखिए ये क्या है, आपका 50 साल पुराना बिल्डिंग है, तो हमें कैसे पता चला कि 50 साल पुराना बिल्डिंग, मैं तो 50 साल की हूँ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग करके, हम लोग इस घर का कुतुब मीनार इतने साल पुराना है, ठीक है, या ताजमहल इतने साल पुराना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो वहाँ हम लोग यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जीवाश्म के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान कीजिए। तो क्या होगा, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है, जब हम उसे जलाते हैं तो उसकी जलाने की प्रक्रिया में वृद्धि करके हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुणों को दर्शाता है। ठीक है, कार्बन के द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण किस गुण को दर्शाता है। तो कार्बन के द्वारा प्रदर्शित जब सीरीज वाली गुण आती है, तो वो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए स्व संयोजन क्षमता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, स्व संयोजन क्षमता को दर्शाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जब हम लोग बात करेंगे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके जो सीरीज बनाते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपका सैचुरेटेड, इसमें आता है आपका एल्केन। ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड के साथ बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो कहलाते हैं एल्केन। इसका एक सूत्र होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, CnH2n-2। ठीक है, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मछलियों में, ठीक है, जो मत्स्य वर्ग में आते हैं, पीसेज क्लास की बात करेंगे,
मछलियों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रुधिर परिसंचरण होता है, वो किस प्रकार से होता है, जो गलत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। निलय से, जो आपके हार्ट में निलय होता है, वेंट्रिकल होता है, वो उससे जो होता है रक्त केवल क्लोम गिल्स में जाता है, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो गिल्स यानी गलफड़ा, क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, नहीं दोस्त यह गलत है आपका। दो कक्षी हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यस यह भी बिल्कुल सही है। और शरीर से, ये शरीर से पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं, मछलियों की बात करेंगे। मछलियां जो आती हैं, मछलियां कॉर्डेटा फाइलम के, मछलियां कॉर्डेटा फाइलम के, ये आपके पीसेज क्लास के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आती है पीसेज क्लास, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। मछलियां जो होती हैं अपने गलफड़े से सांस लेती हैं, ठीक है, गलफड़े से सांस लेती हैं। मछलियों का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो दो चेंबर का होता है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, दो चेंबर होते हैं, इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मछली है जो कि अपवादित होती है दोस्त, स्कॉल्डियन फिश। इसमें जो हार्ट होता है, इनका जो हृदय होता है, इसमें एक चेंबर का होता है। कितने चेंबर का होता है दोस्तों, एक चेंबर का होता है। नेक्स्ट, श्वसन पथ में पक्षाभ की क्या भूमिका होती है, ठीक है। श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पक्षाभ की क्या भूमिका होती है, तो पक्षाभ जो होते हैं, पक्षमाभ फेफड़े और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर सामान्यतः हरा रंग प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसके साथ हम, किस इंडिकेटर के साथ हम बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो हमें हरा रंग मिलेगा, तो चाइना रोज के साथ अगर हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है, ग्रीन कलर मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार का है, ठीक है। हम लोग ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे दोस्त, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ऊर्जा प्रवाह के बारे में। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम होता जाता है। अब पोषी स्तर की बात करेंगे तो पोषी स्तर लेवल बना होता है, पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, ठीक है। इस प्रकार से बना होता है, सर्वाधिक ऊर्जा पोषण स्तर 1 को मिलता है। इसके अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं। पोषण स्तर 2 में मांसाहारी जीव आते हैं, और पोषण स्तर 3 में सर्वाहारी जीव आते हैं। और सबसे कम ऊर्जा जो होती है इसी को मिलता है, सर्वाहारी को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति सर्वाहारी जीव को होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को, जैसे कि मटर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन जो होते हैं शरीर के विकास करने में सहायता करते हैं, प्रोटीन्स शरीर के वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर और बौना हो जाता है, ठीक है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्लियर है, चलेंगे। सर्वाधिक प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलते हैं? सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मशरूम में, सोयाबीन में, दाल में, अंडा में, मिल्क में, ये सब प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन आपका मशरूम में पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन को बाउल ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सोयाबीन का कटोरा के नाम से हम लोग सोयाबीन को प्रोटीन के कटोरा के नाम से हम लोग सोयाबीन को जानते हैं, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन हमें मशरूम से मिलता है। प्रोटीन का कटोरा, प्रोटीन का कटोरा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेशियों में ऐंठन होने का क्या कारण होता है? ठीक है, आपके मसल्स में ऐंठन हो रहा है तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, जल्दी से बताएं आप, आपके अगर शरीर में ऐंठन हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही हो, ठीक है, इसलिए आपके शरीर में ऐंठन या आपका शरीर अकड़ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पेशियों की बात हो रही है, मसल्स की बात करेंगे। ठीक है, मसल्स में थकावट का अनुभव किस कारण से होता है? तो लैक्टिक एसिड में जमाव के कारण से होता है। किस कारण से? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से। और ये हमारे शरीर के जो पहली मसल्स होती है, ऐच्छिक मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशी में जमती है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी में जमाव के कारण से हमें थकान का अनुभव होता है। ये जो होती है ये धारा रेखित होती है, बेलनाकार होती है, और ये हमारे हाथ और पैरों में, हाथ एवं पैरों के अंगों में पाया जाता है। जो वैसे अंग हमारी इच्छा पे काम करते हैं वहां पे ऐच्छिक मसल्स पाई जाती है। ये क्या होती है? ये ऐच्छिक मसल्स होती है, ये बोन के साथ जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मसल्स जो होती है ऐच्छिक मसल्स, ये आपकी बोन के साथ कनेक्ट रहती है, इसीलिए इस मसल्स को कंकालीय मसल्स के नाम से जानते हैं। कंकालीय मांसपेशी के नाम से, स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, गर्भ निरोधक विधियों का क्यों उपयोग किया जाता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भ निरोधक पिल्स का या विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो बालों का रंग काला किसके कारण से होता है? तो ये मेलानिन के कारण से होता है। ठीक है, बालों का रंग मेलानिन के कारण, जबकि आपके जो बाल होते हैं ये त्वचा के विकृत फॉर्म होते हैं, त्वचा के विकृत रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। और बाल जो होते हैं, बालों में कैरोटीन पाया जाता है, ये कैरोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कैरोटीन के बने होते हैं, जबकि बालों का जो रंग पूछनी है ये मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, मेलानिन जो होता है ये शरीर का रंग निर्धारण करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके शरीर में जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट पाया जाएगा उसका शरीर का कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा, जिसके शरीर में जितना कम पाया जाएगा उसके शरीर का रंग उतना ही ज्यादा गोरा और साफ होगा, और जिसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा मेलानिन पिगमेंट तो वो एक प्रकार का रोग है, जिसे हम लोग एल्ब्यूमिन रोग के नाम से जानते हैं, एल्ब्यूमिन डिजीज, लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग,
ठीक है, हमारी त्वचा में अल्फा केराटिन पाई जाती है। त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अल्फा कैरोटीन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति होती है? किसी खाली कमरा या बड़ा हॉल, सेमिनार हॉल में जाइएगा, वहां हुआ कीजिएगा, तो आपको वही आपकी आवाज वापस टकरा के हुआ सुनाई देगी। ठीक है, या आप किसी का नाम पुकारेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, नैनो सेकेंड के बाद वही आवाज आपकी वापस टकरा के आपको सुनाई देगी, तो वो कहलाती है इको। इको मतलब प्रतिध्वनि, क्या कहलाती है? इको कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, पिच यानी तारत्व, महिलाओं का पिच बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिस कारण से महिलाओं की आवाज जो होती है वो तीक्ष्ण लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्रीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, स्क्रीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टॉलोविन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टॉलोविन का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपके डिस्कशन समाप्त होते हैं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्ट सेक्शन की तरफ में। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। देखिएगा, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष सामने प्रस्तुत कर दिया? तो नंदन नीलेकमणि समिति ने क्या किया था? आरबीआई के सामने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति वाला जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा है और काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनकी इनका जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो मेरे दोस्त, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति महोदय किस रूप में शपथ लेते हैं, तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या राज्यसभा के मेंबर के रूप में ही शपथ लेते हैं, ये स्पेशली उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। ठीक है, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कृषि का मतलब हुआ झूम खेती, झूम कृषि। देखिए दोस्त, झूम कृषि को ही हम लोग स्लैश एंड बर्न कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हमसे पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे किस नाम से जानते हैं, तो वहां पर आप झूम खेती नहीं लगाएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार में हम लोग इसको दीपा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे फ्रेंड? दीपा के नाम से ही जानते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला लिखिएगा, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो मामल्लपुरम उत्सव की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लपुरम को हम लोग कह रहे थे, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा। ये पल्लवों की प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था, मामल्लपुरम महाबलीपुरम को ही कहते हैं। इसे कहते हैं महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम नगर बसाया गया, मामल्लपुरम नगर बसाया गया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? मेरे दोस्त, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का
शब्द लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। साथ ही साथ एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, केरल, तमिलनाडु, गोवा या उड़ीसा, जल्दी से बताएं मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो वही जहां भी आपने देखा तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन, थैंक्स गिविंग उत्सव है, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है, सुनिएगा आराम से, बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा पोला महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है। यह भी और यह भी और यह तीनों ही महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस महोत्सव है, जबकि बैलों को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र का पोला महोत्सव होता है। नेक्स्ट, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, जल्दी से बता दें आप लोग कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है। तो इसमें मेरे दोस्त व्यापारिक पवने जो होती हैं दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व की ओर अभिसरित होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक पेड़ नहीं है, मनी प्लांट, पीपल, बरगद या नीम, ठीक है। कौन सा एक पेड़ नहीं है, तो मनी प्लांट एक पेड़ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर हो गया ए ऑप्शन। और आज के सेट का, आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एजार कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो एजार कप जो है मेरे दोस्त पोलो से संबंधित है। तो मेरे फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल के डिस्कशन में फिर से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन आर्ट्स और साइंस का करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद दोस्त। चलिए सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के क्लास में, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। चलिए वॉइस वगैरह ठीक है, चलिए हम सवाल की बात देखते हैं, ये सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां दिया गया है एक समकोण है यहां पे एबीसी में, है ना, बी पर समकोण ए बी आपका इतना दे रखा है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 7 है और ये आपका ए है और बी है और ये सी है। यहां ये दे रखा है, एक बात समझेंगे, ये 7 है और ये दोनों में, ये दोनों का, ये दोनों भुजा का अंतर 1 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं, आप यहां पे ये जानते होंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप जानते होंगे यहां से कि ये 7 रहता है, जैसे ही 7 है तो हम जानते हैं कि 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, है ना, 7, 24, 1, 25 ट्रिपलेट होता है, ये दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। और ये 7 जैसे ही दे दिया, इसका मतलब ये 24 होगा, ये 24 होगा और ये बड़ा होगा क्योंकि ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ये 25 हो जाएगा। तो साइन सी की बात बोला है कि साइन सी क्या होगा, तो साइन सी की बात किया गया, तो साइन सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई, साइन सी बराबर हो जाएगा कितना, 7/24 इसका, सॉरी 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इसका आंसर आ गया कितना, ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
कितनी लोगों का आंसर आ चुका है वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहां बोला गया है कि यदि समीकरण निकाय, ये समीकरण है 48 है, अनंत हल है। अनंत हल का मतलब क्या होता है? A1 by A2 बराबर होगा B1 by B2 बराबर होगा C1 by C2। ये अनंत हल की बात किया गया। जब अनंत हल की बात करेंगे तो यहां से आपका हो गया 3/, इसका A1 का मान है आपका 2A, यहां पे B का मान हो गया -2 और इसका मान हो गया B का मान माइनस ये। बस इसी को सॉल्यूशन कर लेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद आंसर को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए यहां से गुणा करेंगे, ये 3A माइनस 3B और ये 2×2=4A आया। A इधर आएगा तो 7A आ जाएगा और ये 3B उधर जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया 7A=3B। A इसका सही उत्तर होगा। A इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे अगर हम बात करें -6 -√3 कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे √6 + √3 और √6 + √3 करेंगे तो यहां से आ जाएगा ऊपर में √3 और √6 + √3 और नीचे आपका माइनस और प्लस वाला हो जाएगा तो a² - b² हो जाएगा, ये आएगा 3। इसी तरीके से यहां पे भी करेंगे तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा √6 - √2, √6 + √2 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा a² - b, मतलब ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा √8 + √12 और यहां पे जब नीचे आ जाएगा आपका -4 आएगा। अब -4 - - यहाँ प्लस कर देगा और ये 4 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू नीचे माइनस में आ जाएगा और माइनस में आएगा तो ये -- ऊपर कर देंगे तो -- प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहां से एलसीएम की, अगर बात करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3×4=12, तो यहां पे 4 करेंगे तो 4×3=12 √2। अब देखिए यहां पे हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4×3=12 √2। अब 12√2 यहां पे आ जाएगा 12√12। यहां पे देखिए 3×4=12 तो ऊपर 4 गुना किए है ना, तो 4×3=12√2 × √2 × √6 गुना करेंगे तो √12 आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √6 आएगा है ना, √6 होगा और ये आ जाएगा आपका प्लस 4×3=12√6। ठीक है, देख लीजिए इतना ही आएगा 4×3=12√6 माइनस, अगर हम यहां पे 3×4=12 करें, 4 यहां 3 गुना करेंगे, यहां पे 3 गुना करेंगे तो ये 4×3=12 और √3 × √2, मतलब ये आ जाएगा 12√18। माइनस 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 प्लस माइनस, अब देखिए 4×3=12 और 12 और 3×2=6, ये आपका माइनस में आ जाएगा। यहां पे 4×3 है तो यहां भी करेंगे 4×3 तो 6×3=18, 18√8 और यहां भी 18√12 आ जाएगा। ये आंसर, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखिए यहां से 12 और यहां 18 तो ये आ जाएगा आपका 30√12। उसके बाद ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे देखिए उसके बाद यहां से सॉल्यूशंस करेंगे, देखेंगे ये दोनों का देख लेंगे 18, हाँ ये दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे तो यहां से 12√12 है, √18 को हम लिख सकते हैं 9×2, तो 9 बाहर आ गया तो 12×3=36√2। ठीक है, ये माइनस में है और ये वाला वैल्यू अगर लेंगे 18√8 तो 18 इसको लिख सकते हैं 4×2, तो ये आएगा 4 बाहर आ जाएगा तो 18×2=36, तो ये आ जाएगा प्लस 18×36 और रूट, मतलब ये और ये वाला भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी आ जाएगा 36√2 और ये भी आ जाएगा 36√2, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट देख लो, भारतीय 36, कहीं पे प्रॉब्लम आया क्या देख लो, बारह रूट बारह आ गया, बारह रूट सिक्स, बारह रूट अट्ठारह, बारह रूट सिक्स खत्म हो गया, अट्ठारह रूट बारह, ठीक है, तीस रूट बारह आ जाएगा, यहां से हम ठीक है इसको लिख लेते हैं, बारह रूट अठारह और प्लस अठारह रूट आठ, तो ये आ जाएगा बारह। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, फोर इंटू थ्री, फोर का रूट टू बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साठ रूट थ्री, ठीक है, ये साठ रूट थ्री आ जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, क्योंकि ये भी छत्तीस रूट टू आएगा, ये भी छत्तीस रूट टू आएगा, तो यहां बटा चला बारह, तो बारह पंचे साठ, ये आ जाएगा फाइव रूट थ्री, इसका आंसर है। देखिए ये कैलकुलेशन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये कैलकुलेशन है। तो यहां पर आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से तीन अधिक है, अंश से तीन अधिक है, सब में देखिए तीन अंश से तीन अधिक, ये भी तीन अधिक है, ये भी तीन अधिक है, ये भी तीन अधिक है, ये भी तीन अधिक है। यदि अंश और हर में चार वृद्धि कर दिया जाए, इसमें चार वृद्धि किया गया, इसमें भी चार वृद्धि किया गया, तो आठ चार बारह, ये पंद्रह आ गया, तीन चौक बारह, तीन पचे पंद्रह, मतलब आंसर आना चाहिए चार बटा पांच, मतलब ये चार बटा पांच के बराबर आ गया। क्या जोड़ने पर, चार चार जोड़ने पर, कौन सा ऑप्शन में, ए इसका सही आंसर होगा, ये सही उत्तर होगा, बाय ऑप्शन। इसको कभी भी इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बाय ऑप्शन से इसको, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए यहां पे ये ए है, ये प्लस बी है, ये ए है, ये माइनस बी है, तो क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू कॉस स्क्वायर ए, और ये इसका हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो फोर कॉस स्क्वायर, फोर कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपका वन, तो वन उधर चल जाएगा, तो वन उधर चल जाएगा प्लस में, तो कॉस ए का मान आ जाएगा वन बाय फोर, रूट निकल जाएगा, तो वन बाय टू, ये कब आएगा, जब ये साठ डिग्री का होगा। निकालना क्या है, ए का मान क्या आएगा, यहां पे साठ डिग्री आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री, एक आवन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक बटा चार आएगा, रूट चढ़ाएंगे तो एक बटा दो आ जाएगा, मतलब वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 बराबर होता है कितना, 60 डिग्री, cos 60 बराबर होता है 1 बाय 2, sin 60 बराबर होता है, sin 30 बराबर 1 बाय रूट 2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहां पूछ रहा है 64 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4aq और ये आ जाएगा 3baq, लेकिन ये आपका प्लस में है, लेकिन वहां दिया है माइनस में। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहां पे प्लस में निकालेंगे, प्लस में निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस प्लस में है तो प्लस 4ab होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, अगर ये माइनस में दिया है तो ये फॉर्मूला होता है प्लस में निकालने के लिए, तो ध्यान से याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे करेंगे ए सॉरी माइनस प्लस में, तो ये माइनस होगा, यहां पे क्या करेंगे कि वन का, यहां आ गया वन का स्क्वायर प्लस फोर, ए ए का मान कितना है, फोर फोर ए, बी का मान कितना है थ्री बी, तो यहां से आ गया वन प्लस चार चौक सोलह, सोलह ती अड़तालीस ए बी, तो ए बी का मान वहां दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ वन बाई टू, तो ये आ जाएगा देखिए चौबीस बार में,
तो 24 एक 25 मतलब इसका 5 आ गया, मतलब a प्लस बी का मान आ गया 5, इसका मतलब क्या आ गया 4a प्लस 3b का मान आ गया कितना 5। अब जब ये 5 आ गया है तो हम जानते हैं यहां पे q निकालेंगे तो हम जानते हैं 5 आ गया है तो यहां आता है 4a प्लस 3b का होल q माइनस 3ab और यहां पे इनटू होता है 4a प्लस 3b। तो यहां पे निकालेंगे a प्लस, a प्लस वाले का मान कितना है 5 पचे 125, 4a प्लस 3b यहां कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यू करेंगे 125। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें तो देखिए यहां पे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 इंटू 1/2 और यहां पे इसका मान दिया प्लस ये 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना से कट जाएगा मेरे भाई 18, 18 पच्चे 90 मतलब ये 35 आंसर हो जाएगा, 18 पच्चे 90 125 में से घट जाएगा मतलब ये 35, सी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। बोला है कि ए 12, ए और बी ये 12 दिनों में 2/5 भाग काम करता है, तो 12 दिनों में 2/5 काम करता है, पूरा काम करने के लिए उलट के गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 30 डेज। यहां बोला है कि 21 दिनों में 7/8 काम करेंगे, उलट के गुणा कर देंगे 8/7, तो ये काम कर देगा आपका कितना टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम यहां निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो पूरा काम हो जाएगा, ये वाला पूरा काम हो जाएगा, बी पूरा काम 24 दिन में और ए ठीक 30 दिन में, ये टोटल काम देखा 120 हो गया, 30 चौक और ये 5 आ गया। तो पूछ रहा है यहां पे दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करता है, तो यहां पे टाइम निकालना है किसका, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो 120/9 तो ये आ जाएगा 40/3, यही आंसर आ जाएगा, इतना डेज मतलब ए इसका सही उत्तर होगा, ए इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, इस बात को समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। रीता कहती है कि वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचती है, यदि वो 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार को उपयोग करती है, ध्यान रखना जो आपका तोल रहा है, जो आप देने की वादा किए हैं वही आपका एसपी है, लेकिन आपने जैसे तराजू पर 100 ग्राम के जगह पर 100 ग्राम रखे हुए हैं, 100 ग्राम मतलब कोई आदमी ग्राहक आया और आपने 100 ग्राम रखा है, तो 100 ग्राम जो दे रहे हैं वही एसपी है, लेकिन आप उसमें घपला किए 80 ग्राम ही दिए, उसका मतलब वो सीपी है, मतलब वो खरीदा था 1000, खरीदा था 100 ग्राम लेकिन वो दिए कितना, दिए कितना 80 ग्राम, मतलब 80 ग्राम सीपी हो जाएगा। जो आपने जो दिखाया है वो आपका एसपी हो जाएगा, जो नहीं दिखा है वो आपका सीपी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 20/80 × 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 बार में कटेगा, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं बेमानी वाला कॉन्सेप्ट, डिसऑनेस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी हम 100 ग्राम बटकरा यहां पे रखे हुए आप दे रहे हैं, सामने वाला देख रहा है कि 100 ग्राम रखा हुआ है लेकिन उसको आप घपला किए 80 ग्राम ही दिए, 80 ग्राम जो दिए हैं, जो घपला करके दिए हैं वही आपका सीपी हुआ और जो दिख रहा है वहां पे वही आपका एसपी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे करा कि 8 और 18 का तीसरा अनुपात समानुपात क्या होगा, तो तीसरा समानुपात के बारे में बात किया है, तो 8 और 18 यहां भी 18 और तीसरा अनुपात के जगह पर हम मान लिए एक्स या कुछ और मान लेते हैं के, तो गुणा करेंगे तो ये तीसरा अनुपात आ जाएगा 324/8। ठीक, यहां से बोला गया है, यहां से बोला गया चौथा अनुपात कितना होगा, तो चौथा अनुपात की अगर जगह पर मान लेते हैं कि चौथा अनुपात की जगह पर मान लेते हैं इसको के एम मान लेते हैं, चौथा अनुपात आपका मान लेते हैं एम है, तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो यहां से आ जाएगा इसका चौथा अनुपात आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x+2 बटा आपका 2। चौथा अनुपात देखिए यहां पे ए रेशियो बी, 80:D, यही आपका चौथा अनुपात है, नजदीक गुना नहीं से, दूर का गुना दूर से, तो यहां पे बीसी बटा अगर चौथा अनुपात निकालेंगे तो डी बराबर आ जाएगा ए। ठीक है, यही इसी तरीके से आ जाएगा, तो बीसी को गुणा कर दिए, ये आपका नजदीक हो गया, इसको गुणा कर दिए, एम बराबर यहां पे आ गया इतना, और यहां बोला कि समानुपात जो है वो दोनों बराबर है,
समानुपात दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों समानुपात बराबर है तो यहां से देखिए काटेंगे मेरे भाई चार बार में, ये आ गया 81, 81 से 81 कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू वन आ जाएगा। यहां एक बार में कटा तो वन आ गया। अब यहां से अगर हम बात करें ये माइनस वन आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहां पे आ जाएगा ये प्लस वन आएगा, तो ये आपका आ जाएगा वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस वन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका देखिए ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन एक होता है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, इसमें दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा कहेगा निकालने के लिए, तो यहां से आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर यहां पे तीसरा अनुपात ये पूछ दे सी पूछ दे तो बी का स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा ए, यही तो पूछ रहा था, और इसी को यहां पुट कर दिए, इसको यहां पे पुट कर दिया। ठीक ना, हाँ 324 कैसे आया देवराज, देखिए 324 कैसे आया, यहां पे तीसरा समानुपात पूछ रहा है तो 8, यहां बी और बी सेम होगा 18 18, तो यहां पे नजदीक का गुना नजदीक से कर दिए 324, या तो ऐसे देख लो 18 बटा 8 बटा 18 और 18 बटा k, तो ये आ जाएगा 8k और ये आ जाएगा आपका 18 18 गुना 324, ये आ जाएगा k बराबर कितना आ गया 324 बटा 8। ठीक है, ऐसे किए थे, ऐसे आया। ठीक ना, बात समझे, बात समझे। अब कह रहा है कि तीनों संख्या इतना 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 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो यहां पे 0 0 हटाकर आप एलसीएम ले लेंगे, तो 0 0 हटाकर एलसीएम लेंगे तो ये 96 आएगा, 0 0 था तो यहां भी एक 0 बिठा देंगे, तो ये ए इसका सही उत्तर आ जाएगा, ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, ए इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है देवरा, समझ पाए, करें एक वस्तु की अंकित मूल्य उसके लागत से 45% अधिक है, लागत से 45% मतलब सीपी इसका 100 था तो मार्केट प्राइस देखा गया कि 145 है, मतलब 45% अधिक अंकित किया गया है। यदि उससे उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ कमाते हैं, मतलब इसको बेचकर, इसको जब बेचा तो 16% का लाभ कमाया, 16% का लाभ कमाया मतलब 116 में बेच दिया, ये एसपी हुआ, तो जब 16% पे बेच दिया, 116 में बेच दिया तो डिस्काउंट हुआ होगा, तो ये डिस्काउंट कितना हुआ होगा मेरे भाई, तो 15 में से 6 चल गया 29 का यहां पे डिस्काउंट हुआ 30 45, 29 का डिस्काउंट हुआ किससे, 145 से, और गुना यहां पे 100 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई बताना, यहां से 29 5 इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है, ये 20% आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर है यहां तक। यहां बोला गया कि इसमें से याद रखिएगा, कभी भी अगर यहां पे बात करें कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, एक्स और वाई और जेड है कोई संख्या, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो जब भी अगर ये मतलब रिमाइंडर जो बोले वह सेम की अगर बात करें, तो जब सेम की बात करें तो हम जानते हैं कि इसको इसको डिवाइड करने पर वो कौन सी संख्या है डिवाइड करने का, जो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम बचे, तो रिमाइंडर जब सेम की बात करे तो यहां पर क्या लेंगे एससीएफ, क्योंकि एससीएफ तो होना ही है, एससीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड लगा देंगे, क्योंकि हो सकता है निगेटिव आ जाए, यहां चाहिए डिफरेंस ओनली, वाई माइनस जेड और जेड माइनस ये होता है कब, जब रिमाइंडर बोले सेम। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको 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 डिवाइड करने पर डिवाइड को वो बड़ी से बड़ी संख्या एक्स से भाग दिया गया, बोला इसको 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 एक्स से बड़ी एक्स से भाग दिया गया है, बैक भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो एक्स का मान क्या होगा,
तो चलिए यहां देखते हैं, ठीक है देखते हैं। देखिए इससे पहले इसको डिवाइड करो, अंतर करो, यहां आ जाएगा एससीएफ ऑफ, पहले अंतर ही, डायरेक्ट अंतर ही कर लेते हैं, अंतर करेंगे तो यहां से आ जाएगा तीन एक और आ जाएगा दो। यहां पे अगर यहां से इसको अंतर कर लेते हैं तो ग्यारह में से पांच गया छह, सात में से ये चल गया दो, और ग्यारह में से सात गया चार, ठीक है ये आ गया। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा ग्यारह में से दो गया, ग्यारह में से दो गया नौ, सात में से चार गया तीन, और इकसठ में से पांच गया यहां पे छह, ठीक है। इसी का हमको क्या लेना है, एससीएफ लेना है। एक बात बताइए, ये तीनों का जो एससीएफ होगा, तीनों का एससीएफ कितना होगा, तीनों का एससीएफ हो जाएगा 213, क्योंकि 213 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना, 213 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, एससीएफ आ जाएगा 213। ऐसे निकालेंगे दोनों के कम से कम डिफरेंस, यहां देखा गया 213 या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा, तो 213 से ये भी कट रहा है, 213 से ये भी कट रहा है, 213 से ये भी कट रहा है, मतलब इसका 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 तीनों का एससीएफ, तीनों का डिवाइड करने वाला वो बड़ी सी बड़ी जो संख्या होगी ये आपका 200 होगा, 213 होगा, 213 अगर इसको इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपका शेषफल एक बचेगा। तो 213 किसके किसके बीच है, तो यहां पे बोला है 200 और 200 के बीच माना गया है, मतलब ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कौन ए 213 है तो 200 और 220 के बीच होगा, ठीक है 200 और 213 के बीच होगा, ठीक है। बोला कि निम्न में से कौन सा 1 से 20 तक का अंकों के अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो 1 से लेकर 20 से अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो दो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर कौन है, तीन है, पांच, देखिए ये खत्म हो गया, दो के बाद तीन नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां से छांट लिए क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, तो दो से दो देखिए यहां भी नहीं है, ये तो नहीं होगा, एक तो होता ही नहीं, एक अभाज्य संख्या होता नहीं, तो इसको हट गया, तो यहां भी देखिए दो से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो दो से स्टार्ट हुआ ये, तो दो के बाद तीन होना चाहिए, तीन यहां इसमें इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसका माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले वन आया टू आया थ्री आया फाइव और सेवन, ठीक है। इधर से कटिए, फर्स्ट से काटिए और लास्ट से काटते जाइए, जो बीच में आएगा वही हो जाएगा। यहां बच गया दो और तीन, तो दो और तीन बच गया कटने के बाद, तो दो और प्लस तीन कर देंगे और बटा दो करेंगे, तो पांच बटा दो, तो ये आ जाएगा ढाई, मतलब एससीएफ जो आएगा आपका टू पॉइंट, मतलब सॉरी माध्यिका जो आएगा ये 2.5 आएगा, यही आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेंगे और एक फर्स्ट संख्या एक लास्ट, फर्स्ट लास्ट के काटने के बाद जो बच जाएगा, तो काटने के बाद बच गया आपका देखिए दो और तीन, दो और तीन, यहां कोई और संख्या तो दो तीन काटते हैं जो आता है वही आंसर, लेकिन दो और तीन बच गया तो दोनों को जोड़कर उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दो से, ठीक है। ये सवाल आएगा आंसर, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल को बढ़ते हैं, रोहित अपने वस्तुओं का क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है, तो देखिए यहां पे एक्स रुपया था, 30% अधिक अंकित किया, तो 30% अधिक किया अंकित 30 बटा 130 बटा 100, अब ये अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य पर 13.5% का छूट देता है और वस्तु को बेच देता है, तो ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 13.5% का छूट दिया, मतलब 87.5 पर बेच दिया, ये आपका एसपी हुआ, लेकिन क्वेश्चन में एसपी दे रखा है कितना, इतना दे रखा है, ठीक है, ये आ गया, दोनों बराबर हो गया, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से सॉल्व करने के बाद एक्स का जो मान आएगा वही आंसर आएगा, तो पॉइंट के बाद डबल जीरो, पॉइंट के बाद ये आ गया 100 कैंसल, 10 कैंसल, ठीक है।
उसके बाद 25 से कटाते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 पचे इतना आएगा, है ना, 25 तिया 75 और आपका आ गया 12, 125, 25 पंचे 125, ठीक है। उसके बाद 13 से अगर काटे, 13 से इसको काटेंगे, 13 सती 91, 13 सती 91 100, 102 और 102 आ जाएगा, फिर 13 सती 91 5 से काट देगा, 13 सती 91 आपका 100 हो गया, 102 और 13 सती 91 9 और 2 11 110 और 13 सती 91 13 8 104 और 6 65 13 5 65 ये आया। अगर 35 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 5 और 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 नहीं कटेगा, 7 इकाई 7 नहीं कटेगा, 7 से 5 से काटिए, 5 सती 5 से काटिए, 5 इकाई 5 2 27 7 5 5 25 2 28 5 5 25 ये आ जाएगा 27, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, सी इसका कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे भाई, बताना कहीं पे आपका गुणा भाग में कहीं दिक्कत हुआ है क्या, बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए यहां पे मिस्टेक हुआ है, 100 में 13.5 होगा तो 86.5 आएगा, 86.5 आएगा, लेकिन हम 87 लिखे, और ये बहुत बड़ा महान काम किए हैं, यहां पे हम 87.5 लिखे लेकिन वहां से आउट होगा तो 86.5 आएगा, 100 में घटाएंगे ना, अब आएगा, ठीक है। तो यहां से ये हटाएंगे 10, यहां से ये हटाएंगे 00, 00, 00 कट गया, 100 से 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहां से आराम से काटते हैं, उधर ही काटते हैं, 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 सती 91, फिर 102, 13 सती 91, 11 110, 110 13 13 8 104 6 5 13 5 65 ये आ गया, ठीक है। तो 9 8 72, इसको 9 बार में ये काट देगा, देख लीजिए x का मान आ गया कितना, 900 आंसर आ गया। हम लोग 87.5 लिखे थे, यहीं पे गड़बड़ कर दिए थे, 87.5 लिखे थे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 86.5 हो गया, देखिए आराम से आ गया, कट गया आंसर, x का मान आ गया कितना 900। कह रहा कि मान ले कि 500 और 800 के बीच 12, 16, 18 से विभाजित संख्याओं का योग x है, संख्याओं का योग x है, तो अंकों का x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पे एक बात बताइए कि 12 और 16 और 18 से विभाज्य होने वाला मतलब एलसीएम होगा, तो एलसीएम आएगा 18, 2 हटा दीजिए 8 और यहां पे 4 और 3 यहां आ गया, ठीक है। 144 आपका हो गया कितना, 144 हो गया आपका ये एलसीएम। तो 500 और 800 के बीच, 500 से लेकर 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो आपके 144 से कट जाएगा, 144 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं 144, एक बात बताइए, गुना हम 4 करेंगे तो ये 500 के पार चल जाएगा क्या, देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 एक 17, 4 कहीं 4 एक 576 आया,
फिर 144 गुणा अगर तीन करते हैं, सॉरी पांच करते हैं, तो पांच चौक बीस 22 और पांच कहीं पांच, ये आ जाता है 720। अब छह गुना करेंगे तो वो 800 के बाहर चल जाएगा, 800 के पार चल जाएगा। मतलब आपका यही दो संख्या है, यही दो संख्या है जो आपके 12, 16, 18 से कटेंगे, 12 से भी कटेंगे, 16 से भी कटेंगे, 18 से भी कटेंगे। ये तीनों का योग की बात किया है तो तीनों का योग x माना गया, तो 6, 7, 2, 9 और 7, 5, 12 1296। अब यहां पे बोला गया है इसका अंकों का योग निकालना है, तो 1 + 2 + 9 + 6 9 6 15 15 और 18, मतलब ये आ जाएगा अंकों का योग कितना 18। ए इसका सही आंसर आएगा, ए इसका क्या आएगा सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग इतना है। जैसे हम बात किए, जैसे यहां पे बात किए कि यहां पे एक है, दो है और तीन है, समझिए एग्जांपल से इसका योग कितना है 3 2 5 6। ठीक है, और लगातार संख्या 1 2 3, इसको जब योगफल को जब हम संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2, मतलब ये बीच वाला संख्या आ गया कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो यही से यहां भी करेंगे कि यहां पे 10 क्रमागत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब यहां पे 1045 बोला गया कि 1045 जो होगा, तो 1045 अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 104.5, बीच वाला संख्या, क्योंकि एवरेज निकल जाएगा योगफल को जब संख्या से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज दोनों के बीच का होगा, इधर से 5 इधर से 5, ये बीच में आ जाएगा 104.5। तो ये सभी का अंतर एक एक का है, सभी का अंतर एक एक का है क्योंकि लगातार संख्या है, तो 104.5 आया तो ये 104 आएगा, ये आपका 103 आएगा, ये 102 आएगा, ये 101 आएगा और ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये 105 आया है, 104.5 आया तो ये 105 आएगा, ये 106 आएगा, ये 107 आएगा और ये 108 आएगा और ये 109 आएगा। लेकिन यहां पे बोला गया है कि ऐसी संख्याओं का अब निकालना है जो अभाज्य संख्या है, जो किसी से नहीं कटता है, तो 101 आपका अभाज्य संख्या है, 103 आपका अभाज्य संख्या, 104 नहीं है, 105 नहीं है, 106 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या भाई बताएंगे कि 106 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा ना, सॉरी 106 तो कटेगा, दूसरे से कट रहा है, 107 होगा। 109 की अगर बात करें, 7 × 7 = 3 109, हाँ 109 भी आपका अभाज्य संख्या होगा, 109 9 1 10 109 आपका नहीं कटेगा, मतलब 109 भी अभाज्य संख्या होगा। सभी को जोड़ देना 1 2 3 400 और यहां पे आ गया 10 19 भी 420 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। ये डी इसका सही उत्तर होगा, क्लियर है। अगले सवाल, करें एक धात्विक घनाव का बीमा दिया, बीमाएं दिया हुआ है 6 इतना इतना दिया हुआ, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पिघलाकर घन बनाया जाता है तो हम जानते हैं घन बनाया गया है तो इसका घन किसका, बराबर होगा घन का आयतन। अब घनाव की आयतन की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 100, 40 और 16। तो इसका घन का होता है, ये अगर घन बन गया है, ये इस तरीके से बन जाएगा तो ये आपका ए ए सब जगह होता है तो ये एक ही हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करें ए का मान क्या होगा,
100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, ठीक है, क्यूब रूट होना चाहिए 4, 4 इंटू 4 तोड़ सकते हैं, तो ये ए क्यू बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, देखिए 3 3 की क्यूब लगाया तो 3 जैसे कॉमन हुआ उसको एक बार कर देंगे 10 और 4 तो ये आ गया 40। इसका बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो एरिया निकालें, तो एरिया होगा 6a स्क्वायर, तो 6 × 40 का स्क्वायर, ठीक है 40 का स्क्वायर, तो यहां पे 6 × 2400, तो 6 × 24 6 × 12 मतलब ये आ जाएगा आपका कितना 14400, 14400 इसका आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए, 14400, क्योंकि घना को पिघला कर ही घन बनाया गया तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो यहां से भुजा निकल गया किसका, घन का, और भुजा निकल गया घन का तो इसका एरिया होता है 6a स्क्वायर, वहां पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला बोला गया एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलक है, एंड आसन फलक है मतलब ये देखिए, देखिए यहां आसन फलक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये सामने वाला और फिर ये साइड वाला और फिर ये नीचे वाला, नीचे वाला जो है सामने वाले सभी का तीनों का दिया हुआ है, तो जैसे यहां पे ये L है तो ये B होगा, ये H होगा, ठीक है। सामने वाला फलक के बोलेंगे तो सामने वाले फलक का हो जाएगा L into H आ जाएगा सामने वाला। फलक मतलब होता है फेस, जो आपका सतह है, तो सामने वाला अगर मानते हैं यहां पे L इंटू जो भी है सामने वाले जो भी फलक होगा सारे को गुणा कर देंगे होता है L × B, L × B, B × H और H × L। मान लेते हैं कि ये L × B आपका 66, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान सकते हैं, और L × B ज्यादा होगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी या उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L × B, ठीक है, फिर L × H हो जाएगा कितना 108 और ये आ जाएगा 66, ठीक है, कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखेंगे L दो बार आ गया, B दो बार आ गया, L B H दो बार आ गया, यहां से रूट निकाल देंगे, यहां पे आ जाएगा 198 × 66 × 108। यहां से अगर हम LBH इसका अगर रूट निकाल देते हैं, देख लीजिए इसका रूट क्या है, तो इसको काटने का उपाय लगाते हैं, 9 से कट सकते हैं, 9 × 18, ठीक है ये आ गया, इसको लिख सकते हैं 22 × 66, ठीक है, इसको 9 लिख सकते हैं 12 × 78 से ये रूट लेंगे, तो यहां पे LBH आ जाएगा, देखिए यहां पे 22 रूट है तो 1 बाहर आया, 9 और 9 1 9 बाहर आया, ये खत्म हो गया। अब यहां पे 12 × 36 का रूट आ जाएगा कितना 6, तो यहां निकाला घनाव का आयतन क्या होगा, तो 6 × 9 = 36 × 12 मतलब आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना, यूनिट डिजिट को देख लिया और आंसर आ जाएगा इतना, क्या कोई दिक्कत है, आंसर आ गया इतना, क्लियर है, 9 × 36 6 × 12 गुना कर लेंगे, और 9 × 54 4 × 8 8 होगा यूनिट डिजिट, 8 होगा, एक मिनट, 8 होगा यूनिट डिजिट, देखिए 9 × 54 4 × 8 यूनिट डिजिट एक ही है, ऑप्शन सी ए, ठीक है, ऑप्शन सी ए, यूनिट डिजिट सेम है तो ऑप्शन सी यहां मार दिया, ठीक है।
चलिए यूनिट डिजिट को देख लिए, यूनिट डिजिट यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे यूनिट 9 6 54 4 4 2 8 एक ही डिजिट में आपका 8 है यूनिट डिजिट, डायरेक्ट गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मार के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। करें कि मूलों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, मूलों की प्रकृति के बारे में आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका काल्पनिक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इमेजनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो से तो हम कहेंगे कि ये रियल होगा, लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा होगा तो रियल होगा और ये डिफरेंट भी होगा, अलग अलग होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं निकाल करके, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 10x, इसको इस तरीके से सजा के लिख देंगे इस फॉर्म में ax, इसी फॉर्म में, तो ax स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम b स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं, किसके बराबर होता है उस चीज को बाद में देखेंगे। देखते हैं यहां पे b का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। 4ac लेंगे, ac 4 2 8 6 32, तो ये जीरो से बड़ा दिख रहा है, मतलब ये आगे आपका आने ये तो माइनस बी का, तो ये 10 हो जाएगा, 4 2 8 ठीक है आ जाएगा, तो ये 64 आ गया, मतलब ये जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं, जीरो से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जीरो से बड़ा हो गया, हम कह सकते हैं रियल है, डिफरेंट है, रियल है, भिन्न मूल है, मतलब डी इसका सही आंसर आ जाएगा, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना। अगला बोला कि सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को, सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को 96 दिन में करता है, राहुल और अरुण और राहुल 48 दिन में करता है, राहुल और सुमन मिलकर 80 दिन में करता है, टोटल एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा मेरे भाई, अगर टोटल एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा, टोटल एलसीएम की बात करें तो यहां पे 96 आ गया और 8 9 72, 96 के अंदर 8 भी है, ये आ जाएगा, देखिए इतना 96 5, ये 96 5 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 5 बार में इतना, ये 48 दहें, ठीक है, और ये 8 8 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, ये टोटल वर्क है, अब कर रहा है दोनों मिलकर, एक बात समझेंगे, यहां पे अगर बात करें तो यहां पे 2s है, a है और r है, यहां पे 6 5 11 21 आया, तो ये जो 21 आया है तो s + s + a + r, तो यूनिट इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ये तो दो दो आदमी का था तो 21 आया, तो एक एक आदमी आया होगा तो 10.5 हो जाएगा, और इसको 10.5 से डिवाइड करेंगे, मतलब टाइम निकालना है किसका, सुमन प्लस आर ए प्लस आर, इसका निकालना है, तीनों मिलकर निकालना है, तो कितना दिन में आएगा, तो ये 480 को 10.5 से डिवाइड कर देंगे तो यही आंसर आएगा। तो 10.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 अगर रहता तो 48 48 48, यहां पे गुणा कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं,
21 पचे और ये 2 पचे, 48 दूनी 96 ये आ गया, ठीक है। तो 48 दूनी 96, 21 चौका 84, ठीक है, 84 आ गया। तो 84 और यहां पे 10 दो 12 120, 120 छ कह गए, छ छ दूनी 12, छ कहीं छ और छ दूनी 12 126 हो जाता है। तो लगभग आपका लगता है 44 दिन में कंप्लीट होगा, 46 छियालीस 126 तो 46 लगभग 46 है ना, लगभग ये 46 दिन में कंप्लीट। काट लेंगे, देख लेंगे, 10.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 10.5 गुणा 660, 460 और ठीक, ए इसका सही आंसर है, ठीक। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक जो ज्यादा बार बारंबारता आएगा उसी को बहुलक बोलते हैं, जो ज्यादा बार आया हुआ उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए 24 ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये 1 बार आया, ये 3 बार आया, मतलब इसका बारंबारता जितना ज्यादा आया हुआ, जिसका प्रेक्षण ज्यादा आया होगा, जिसका प्रेक्षण ज्यादा बार आया, ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार आया होगा, उसी को हम कहेंगे, वो मोड कहेंगे, मोड आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहां बोला है कि वाई एक समीक्ष, एक्स वाई एक ट्रायंगल है, एक्स वाई समकोण है और ये जेड एक ट्रायंगल है, और ये बोला गया है कि 45 डिग्री है, तो जब ये 90 ये 45 तो ये भी आपका क्या होगा, 45 होगा। तो sec x का बात बोला है, तो sec x का यहां पे 45 और 45 रखेंगे तो इसका मान आता है 45 का क्या, रूट टू, रूट टू डी इसका सही उत्तर आएगा, डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहां पे 500, 5 पर पावर 501 को इसको 126 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करने का रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि इसको या तो 126 के आसपास लाना पड़ेगा, इसको 126 के आसपास लाने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 3 × 3 = 6 × 18 ये आ जाएगा। क्या इसको अंदर ले आएंगे, तीन को अंदर जब ले आएंगे तो ये 125, जब यहां से भागा देंगे तो एक माइनस में भागा लगेगा, और ये माइनस पर पावर और है तो ये माइनस वन ही होगा, और जब इसमें भागा देंगे तो एक घट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 125। अगर ये प्लस में प्लस वन रहता तो आंसर एक आ जाता, लेकिन यहां पे 126 माइनस एक है, इसका मतलब यहां माइनस एक है तो 126 एक कम होना चाहिए, मतलब 125 आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा 125, ठीक है। आगे यहां पे बोला गया कि 4648 धनराशि को, 4648 धनराशि को तीन भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना और तीसरे भाग का कितना गुना, 7 गुना, आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, यहां पे अगर हम इसको 4 गुना, इसको अगर फर्स्ट संख्या को निकालना है तो इसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका गुना 7 × 5 = 35 कर देंगे। अगर दूसरा का निकालना है तो पहला और तीसरा को गुना कर देंगे, 7 × 28, और तीसरा का निकालना है तो ये 5 × 20 आ जाएगा। तो ये टोटल देखा गया, ये 48 और 35, 48 में से 2 यहां भेज देंगे तो 50 और 50 और 33 ये आ जाएगा आपका 83, और ये 83 यूनिट बराबर दे रखा है, 83 यूनिट बराबर दे रखा है 4648, 83 यूनिट बराबर 4648, तो एक यूनिट का मान पूछ रहा है, तो एक यूनिट पकड़ रहा है कि दूसरे और तीसरे भाग में, दूसरे और तीसरे भाग में बीच का अंतर कितना है, तो 8 का अंतर है, ये ला दिए, ठीक है, ये ला दिए, बात समझे, ये आ जाएगा 56 बार में आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 ये 44, 8 × 48 ये आ जाएगा आंसर 448, इसका
सही उत्तर आ जाएगा, 448 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे काटे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। 83 यहां पे अगर मानते ये 80 होता तो 8, अगर 50 से गुना करते हैं तो कितना आता, 4000, 60 से गुना करते तो 48000, तो 60 के आसपास कटेगा। तो यूनिट डिजिट को देखें, यहां पे क्या गुना कर दें जो 8000, तो 56 6 18 गुना किए तो कट गया 56 बार में, ये पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहां पॉइंट में कोई आंसर नहीं है, पॉइंट में कोई नहीं आएगा, इस कारण से हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहां बोला गया है कोई धनराशि 3 वर्ष में 5% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना हो जाता है, तो 5% की दर से अगर बोला गया है तो 1/2 कितना गया 20, ये 20 से कितना हो गया 21, 3 साल में है तो 3 साल करेंगे, ये गुणा करेंगे तो 9261 आ गया, 21 का क्यू आता है 9261 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, हो जाती है मतलब ये आपका अमाउंट है, हो जाती है 3 साल के बाद हो जाती है, इसका मतलब ये 3 साल के बाद ये इतना 9 3 9 4 36 मतलब ये 4 गुना करने के बाद इतना आया होगा, तो यहां भी 4 गुना के बाद करेंगे तो ये आ जाएगा 32000, ये कितना आएगा मेरे भाई 32000 आ गया आपका, क्या आ गया मूलधन आ गया, 32000 आ गया, क्या मूलधन आ गया 32000। अब बोला है कि यदि वह धनराशि 2 वर्ष के में 15% प्रतिवर्ष के 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज करें, मतलब यहां पे जो ब्याज है वो 8-8 महीने पर किया गया है, तो ब्याज जो 8-8 महीने पर किया गया है इसका मतलब ये टोटल 24 महीने का था, इसको 8-8 महीने के आकलन किया गया, 8 मंथ और ये भी 8 मंथ और ये 8 मंथ पर आकलन किया गया है, मतलब छमाही पर कभी बोलता था, कभी चौमाही बोलता, कभी तिमाही, लेकिन यहां बोला गया कि जो इसका है कि हर 8 महीने में वो ब्याज का आकलन किया गया, ब्याज को लिया गया है। ठीक है, ये 15% जो है वो 12 मंथ का 15% दिया हुआ है, 12 मंथ का 15%, लेकिन आपको चाहिए कितना मंथ का, 8 मंथ का चाहिए, तो 15% बटा 12 और गुणा 8 करेंगे तो ये 4 3 12 4 2 8 ये करेगा कटेगा 5, मतलब 10% आएगा, 8 महीना की अगर बात करें तो 10% आएगा, मतलब 1/10 आएगा। ठीक है, ये भी 10 से 11 हो जाएगा, ये भी 10 से 11 हो जाएगा और ये भी 10 से 11 हो जाएगा, तो यहां से आंसर आएगा आपका 1000 और ये आ जाएगा 1331, 1000 बराबर 3200, क्योंकि यहां पे मूलधन हम निकाल लिए 3200, इस एक यहां पे 32 गुना किया गया है तो ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज 331 किया गया सी आई, तो यहां पे भी 32 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, क्या निकालना है हो जाती है, तो आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है मतलब ए बराबर निकालना है, तो यहां भी 32 गुना कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 32 से 32 3339, ठीक है 13 अगर रहता तो 3339 और 2 1 2 यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, तो आंसर आपका आ जाएगा कौन बी, यूनिट डिजिट देखिए 2 1 2 यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, इसका यूनिट डिजिट 2 1 2 यूनिट डिजिट बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के दुगने से 2 वर्ष अधिक है। देखो यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा महत्व होता है कैलकुलेशन से बचने के लिए, यूनिट डिजिट का अप्लाई हमेशा करना है, अगर वो कर पाएंगे तो डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर गुणा करना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज है का कर्ण किसी एक भुजा के दुगने से 2 अधिक है, अगर ये एक्स है मेरे भाई, मान लेते हैं ये किसी भुजा बोला ये एक्स है तो इसके दुगने से कितना अधिक है 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है, कर्ण के आधा करेंगे तो x प्लस कितना आएगा 1 से 13 अधिक है, अरे इसका आधा x प्लस 1 ही 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस कितना, तो कर्ण पर खींची गई
माध्यिका की लंबाई क्या होगा, इसका था। सबसे पहला हम निकाल देते हैं क्या, हम निकाल देते हैं इसमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई। अब x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो ये क्वेश्चंस आसान हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, आठ आठ पंद्रह सत्रह, सत्रह दुनी चौंतीस, पंद्रह दुनी तीस, अगर इसको हम सोलह मानते हैं, सोलह एक ट्रिपलेट होता है, सोलह ले लिया, सोलह और ये आ गया तीस, ये आ गया देखिए सोलह दुनी बत्तीस, ये आ गया चौंतीस, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। ये 16 और 34, 16 और 30 और एक 34 ट्रिपलेट बनता है, जैसे इसको काटिए तो यहां पे 8 आ गया, 15 आ गया और 17 आ गया, आ गया ना, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है ना, इसी तरीके से इसका दुगना भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। तो ये 16 30 34 आ गया, तो कर्ण पर खींची गई, तो कर्ण पर जब खींचेगी माध्यिका, अब माध्यिका इन दोनों को बराबर में बांटेगा तो यहां पे आ जाएगा 24 का आधा, 34 का आधा कितना 17, मतलब माध्यिका आंसर हो जाएगा 17, इसका सही उत्तर होगा। या आप क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, और इसका यहां से आप क्या करेंगे, x का मान यहां से निकाल लेंगे, तो ये ट्रिपलेट बना दिए, ट्रिपलेट बना दिए, तो ट्रिपलेट यहां से आंसर आ गया, है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे 28 पे। बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन है और बेलन के जो आधार का जो व्यास है मतलब वो 3 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका आ जाएगा कितना, त्रिज्या आएगा 3/2, त्रिज्या आ जाएगा 3/2, इसकी ऊंचाई जो है वो 14 दिया हुआ है, तो आयतन जो होगा, आयतन होगा 22/7 और त्रिज्या हो गया 3/2 और ये 3/2 इंटू ये 14 दिया हुआ है, ठीक है, ये 14 दिया हुआ है, तो आंसर यहां पे आ जाएगा कितना, 7 × 14 और ये 11, तो 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 1 = 19 आ जाएगा आंसर। बेलन का क्या है यहां पे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 3/2 3/2, अच्छा ठीक, एक मिनट, 7 × 14, 2 से 2 कट गया, ये कट गया 11, 3 × 3 = 9, ये आ जाएगा आपका 99 सेंटीमीटर आ जाएगा, 99 सेंटीमीटर क्यों आंसर आ जाएगा, काटने में मिस्टेक हो गया था। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, या अगले सवाल दिया गया है, एक चतुर्भुज है, है ना, एक चतुर्भुज मान लेते हैं, ये दिया हुआ है आपका आर एस समद्विभाजक के बिंदु, ये दिया हुआ है पी क्यू आर एस, ठीक है, मतलब आर एंगल आर और एस का समद्विभाजक बिंदु टी पर मिल रहा है, मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक मान लीजिए टी पे मिल रहा है, ये इसका समद्विभाजक, ये भी इसका समद्विभाजक, ये टी पे मिल रहा है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है ये 87.5। यदि एंगल P और Q का अनुपात दिया हुआ है 2x, P का अनुपात दिया है 2x, तो इसको अनुपात में दिया तो 2x, इसको मान लिया कितना 3x, ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ये जब ट्रिपलेट हो जाएगा तो यहां से अगर हम बात करें एंगल निकालने के लिए, तो यहां से एंगल निकालने की अगर बात करें तो ये आ जाएगा, तो ये एंगल जो आएगा, ध्यान रखेंगे, ये एंगल जो आएगा एंगल एस टी आर,
हाफ एंगल आ जाएगा 2x प्लस 3x, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बात करें तो इसका मान आ गया कितना, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहां से इसका एंगल देखेंगे, 3 × 5x, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 से कट गया, 5 एक 5, 37, 7 पचे 35, 2 ये आ गया। निकालना क्या है, Q और P के मापों का अंतर, ये दोनों के मापों का अंतर कितना है x, और x बराबर कितना है 45 डिग्री, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। यहां फॉर्मूला क्या होता है देख लो, फॉर्मूला आता है S T R का जो फॉर्मूला होगा, ये एंगल हाफ एंगल P प्लस एंगल क्यू, जब समद्विभाजित करें ये मिले, तो लास्ट क्वेश्चन है, रबिया एक कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में कर सकती है, सरिता उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है, यदि वो मिलकर साथ करे तो वो कार्य कितना, बहुत ही सवाल था जिसमें कुछ तो है नहीं मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 18 × 36, 12 × 36, 18 × 36, मतलब ये टाइम आर प्लस एस की बात किया गया है, तो टोटल वर्ग ये 36/5 कर देंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, 1/7 × 35 = 36, तो ये आएगा, तो यहां देखिए ये आंसर आपका काटेंगे 70/72, तो ये आएगा 36/5, मतलब ये ऑप्शन, मतलब आंसर बी, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका टोटल क्वेश्चन था टेक्नीशियन का, ये कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।